तुमने अभी तक कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बट इस वीडियो के कुछ मिनट तुम्हारे आने वाली पूरी 10th क्लास को सेव करेगी। सेव ही क्या, तुम्हें एक टॉपर बना देगी अगर तुम इस स्ट्रेटजी और कंप्लीट रोड मैप को फॉलो करते हो। अगले 3 महीने में तुम अपना पूरा मैथ्स कंप्लीट कर लोगे, और उसके लिए तुम्हें ये करना है, स्टैंडर्ड बुक लगानी है या नहीं, कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना है, इन सभी सवालों के जवाब तुम्हें इसी वीडियो में मिलेंगे। आज पता चल जाएगा तुम कितने सीरियस हो अपनी स्टडी को लेकर, इस वीडियो को पूरा देखते हो या नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें पूरे YouTube पर कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल, और आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ क्लास 10th मैथ्स का कंप्लीट 3 महीने का रोड मैप। इस वीडियो के 3 पार्ट होने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट होगा तुम्हारा हाउ टू स्टडी मैथ्स, किन किन बातों का तुम्हें ध्यान रखना है मैथ्स को पढ़ने के लिए। उसके बाद सेकंड पार्ट में बताऊंगा 5-step formula, जिससे तुम अपने एक चैप्टर को इन 5 steps की मदद से कंप्लीट कर लोगे। और थर्ड पार्ट होने वाला है तुम्हारा स्केड्यूल, की तुम्हें इन 3 महीने में किस तरह से पढ़ना है। तो ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट के चलो फिर स्टार्ट करते हैं। रुको, पहले कॉपी पेन लेकर आओ, जाओ, और जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा उसे सभी को नोट करना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना। तो यार, सबसे पहले मैथ्स को पढ़ने के लिए क्या क्या पॉइंट जरूरी है जिससे तुम्हारा मैथ्स एकदम तगड़ा बन जाए। तो ये 5 ऐसे तरीके हैं जिनको तुम्हें फॉलो करना है, जिसमें पहला तरीका है तुम्हारा कंसिस्टेंसी। यार मैथ्स तो क्या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको पढ़ने के लिए तुम्हें कंसिस्टेंट रहना ही पड़ता है। तो दिन के डेली कुछ घंटे मैथ्स को पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करो। अब इसके बाद दूसरा तरीका है क्वालिटी प्रैक्टिस। इसमें तुम्हें पूरा फोकस अपना कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लगाना चाहिए। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चंस भी तुम आराम से कर लोगे, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करो। इसके बाद थर्ड तरीका है तुम्हारा यूज रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज में तुम्हारी टेक्स्ट बुक आ जाती है, ऑनलाइन तुम कहाँ से पढ़ रहे हो, यूट्यूब से या कहाँ से, या रेफरेंस बुक, या फिर तुम्हारी प्रैक्टिस पेपर, ये सभी तुम्हारे रिसोर्सेज हैं। तो तुम में से बहुत से बच्चों ने रेफरेंस बुक ले भी ली होंगी, और बहुत से अभी तक सोच रहे होंगे कि भैया लूँ या नहीं लूँ। तो अगर मुझसे तुम पर्सनली पूछते हो कि लेनी चाहिए या नहीं, तो मैं बोलूंगा नो। अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं बचा है कि तुम कोई रेफरेंस बुक लगाओ, रेफरेंस बुक की जगह तुम क्वेश्चन बैंक ले लो, और उसका कैसे यूज करना है वो आगे बताऊंगा। अब तुम्हारा 4th पॉइंट है आस्क फॉर हेल्प। जब भी तुम्हें कोई डाउट या तुम किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ, तो अपने टीचर से पूछने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाओ। जिस भी कॉन्सेप्ट में फंस रहे हो जाके पूछ लो। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट है क्लास 10th वालों के लिए, स्टे हेल्दी। तो हेल्दी तो तुम्हें रहना ही रहना है, उसके बगैर तुम्हारा बिल्कुल भी काम नहीं होगा। तुम्हें एक अच्छी नींद लेनी है 7-8 घंटे की, और डेली एक्सरसाइज वगैरह करनी है, और प्रॉपर तुम्हें न्यूट्रिशन लेना है। बस तुम्हें अपनी हेल्थ का एकदम अच्छे से ख्याल रखना है। तो इन 5 पॉइंट को तुम्हें अच्छे से ध्यान में रख के मैथ को पढ़ना है। तो फर्स्ट पार्ट तुम्हारा कंप्लीट होता है यहीं पर। अब सेकंड पार्ट बताता हूँ, जो कि है 5-step formula। इस फॉर्मूले की मदद से तुम अपने एक चैप्टर को कंप्लीट करोगे। जब दूसरा चैप्टर आता है तो उसके लिए भी फिर यही फॉर्मूला अप्लाई करो, उसके बाद फिर थर्ड चैप्टर के लिए भी ऐसे ही। तो चलो फिर बताता हूँ क्या है वो 5 step में। फर्स्ट स्टेप तुम्हारा होगा वॉच 1 short videos। जो भी तुम्हें चैप्टर पढ़ना है उसे तुम्हें YouTube पर सर्च करना है। एग्जाम्पल, तुम्हें पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ना है तो उसे तुम YouTube पर सर्च करोगे, तो जितनी भी ये 1 short video आ रही है, इनमें से तुम कोई सी भी वीडियो देख लो जिससे भी तुम्हें अच्छा समझ में आए, और वीडियो देखते देखते एक रफ लेकर बैठ जाना अपने साथ। तो जो इस वीडियो में तुम्हें कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, उन्हें तुम्हें नोट करना है जल्दी जल्दी। तो फर्स्ट स्टेप तुम्हारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है जब तुम 1 short video देख लेते हो। मुझे पता है ये 1 short video थोड़ी बड़ी है, तो तुम इनके लिए आराम से 2 दिन ले सकते हो। जब तुम्हारा 1 short videos कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद तुम्हें दूसरा स्टेप फॉलो करना है। दूसरा है तुम्हारा मेक नोट्स। अब तुम्हें नोट्स बनाने हैं। नोट्स तुम्हें कैसे बनाने हैं, तुमने जो 1 short video में देखे थे क्वेश्चंस और फॉर्मूला, उनको अच्छे से एक अलग कॉपी में नोट करो, और अपनी NCERT उठाओ, उससे जो फॉर्मूले हैं उन्हें भी अपनी नोटबुक में लिख लो। तो नोट्स को तुम 1 दिन में बना सकते हो आराम से। नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद थर्ड स्टेप है तुम्हारा प्रैक्टिस क्वेश्चन NCERT। तो NCERT के तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करो। वैसे तो तुम्हारे 1 short में बहुत सारे क्वेश्चन वो सॉल्व करा दिए होंगे, बट जो बच जाते हैं तुम उन्हें करोगे अब। तो उन्हें करने के लिए तुम आराम से 2 दिन लोगे। जब तुम उनको कर लेते हो, उसके बाद लास्ट डे तुम्हें 4th और 5th step को फॉलो करना है, जिसमें तुम्हें रिवीजन करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। तो इन 5 steps की मदद से तुम एक चैप्टर को पूरे 6 दिन में आराम से कंप्लीट कर लोगे। अब तुम बोलोगे कि भैया रिवीजन तो हम अपने नोट्स में से कर लेंगे, बट लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से लगाएंगे? तो उसके लिए भी मेरे पास तुम्हारे लिए सॉल्यूशन है, वो मैंने तुम्हें पहले ही बताया। तो तुम्हें लेने हैं क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक्स में तुम्हें अपने प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आराम से। तो यार, मैंने 2-3 क्वेश्चन बैंक्स को अच्छे से देखा, बट मुझे जो मैथ्स के लिए एकदम बेस्ट लगा वो था ओसवाल बुक्स का।
तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। फेवरेट क्या यार, इसमें तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिल रही होंगी करने के लिए। जैसे तुम्हें सिलेबस मिलेगा, सिलेबस तो खैर सभी में मिल जाता है, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज तुम्हें इसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे, रिवीजन नोट्स भी मिलेंगे तुम्हें इस साथ साथ, और साथ में तुम्हें लेटेस्ट जो तुम्हारे क्वेश्चंस बन रहे हैं वो भी तुम्हें इसमें मिलेंगे। साथ में माइंड मैप्स वगैरह भी तुम्हें इसमें मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली होंगे ही होंगे, और साथ ही में तुम्हें इसमें टॉपर्स आंसर शीट भी मिल रही होगी। और बाकी का जब तुम इसे बाय करोगे तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि क्या क्या इसमें है, और लास्ट में तुम्हें इसमें सेल्फ असेस एंड प्रैक्टिस पेपर भी मिलेंगे। तो यार अगर तुम बाय करना चाहते हो तो लिंक तुम्हें कमेंट में मिलेगी या फिर तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके तुम बाय कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम मेरे लिंक से बाय करोगे तो तुम्हें कुछ परसेंट का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद जाके बाय कर लेना, और साइंस के लिए भी तुम ओसवाल पब्लिकेशंस का क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। ये सारे तुम्हारे अभी लेटेस्ट गए हैं, तुम्हें 2024 की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, तो ले लेना। तो यहाँ तक वीडियो के दो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, अब लास्ट पार्ट बचता है स्केड्यूल, जो कि तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो फिर इसे भी बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बता दिया है कि तुम्हें एक चैप्टर को किस तरह से कंप्लीट करना है, किन स्टेप्स में, तो अब तुम्हें पहले महीने के लिए कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं वो बताता हूँ। तो फर्स्ट एंड सेकंड वीक में तुम कर रहे होगे नंबर सिस्टम और लीनियर इक्वेशंस, तो 6-6 डेज में तुम इन चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे 5-स्टेप फॉर्मूले की हेल्प से। फर्स्ट और सेकंड वीक के बाद तुम्हारा आता है थर्ड फोर्थ वीक में तुम करोगे पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इनके कंप्लीट हो जाने के बाद तुम्हें लास्ट वीक में करने हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर। इन दो चैप्टर्स को करने के लिए भी तुम वही फॉर्मूला यूज करोगे, तो उसे कंप्लीट करने के लिए भी सेम 5 स्टेप फॉलो करो। देखो तुम्हारे मैथ में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो थोड़े बड़े हैं, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो छोटे हैं, तो जो छोटे चैप्टर हैं उन्हें तुम 6 डेज से पहले भी कर सकते हो, जो डे तुम्हारे बच जाते हैं उन्हें तुम अपने जो बड़े चैप्टर हैं उनमें लगा सकते हो। तो तुम्हें अपने हिसाब से टाइम को यूटिलाइज करना है। अब कोई मेरे से ये मत बोल देना कि भैया इतना बड़ा चैप्टर है उसे 6 दिन में कैसे करूँगा, क्योंकि जो छोटे चैप्टर हैं उनका टाइम तुम्हें बड़े चैप्टर्स में देना है, समझे। तो पहले मंथ का मैंने तुम्हें पूरा स्केड्यूल बता दिया है क्या करना है। अब सेकंड मंथ के लिए बताता हूँ, सेकंड मंथ के पहले और दूसरे वीक में तुम्हें जो चैप्टर करने हैं वो है ट्रायंगल और सर्कल। इन चैप्टर्स को करने के लिए तुम्हें अपने जियोमेट्री के कुछ फॉर्मूले रिवाइज करने होंगे, जैसे तुम्हें करने होंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला, कॉनिक सेक्शन फार्मूला, अरे कॉनिक नहीं यार सेक्शन फार्मूला, उसमें भी तुम्हें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फार्मूले याद करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट का काम है, आराम से उतार लेना। उसके बाद स्टार्ट कर देना तुम्हें ट्रायंगल और सर्कल पढ़ना है पहले दूसरे वीक में। जब तुम इन्हें कंप्लीट कर लेते हो तो थर्ड और फोर्थ वीक में करोगे तुम ट्रिग्नोमेट्री। दोनों चैप्टर तुम्हें करने हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और लास्ट वीक जो तुम्हारा बचता है उसमें तुम्हें छोटा सा चैप्टर निपटा देना है, वो है स्टैटिस्टिक्स। तो अब तुम 2 महीने में देख लो अपने कितने चैप्टर कंप्लीट कर चुके हो। अब लास्ट मंथ के बारे में बताता हूँ, लास्ट मंथ में तुम्हें कौन कौन से चैप्टर करने हैं। तो लास्ट मंथ के फर्स्ट एंड सेकंड वीक में तुम्हें करने हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये दोनों चैप्टर तुम्हें फर्स्ट एंड सेकंड वीक में कंप्लीट करने हैं। सो बेसिकली यार ये चैप्टर तुम्हारे थोड़े बड़े बड़े हैं, तो इसमें तुम थर्ड वीक तक भी जा सकते हो। तो 3 वीक्स में तुम इन दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे। अब इसके बाद लास्ट चैप्टर बचता है जो कि तुम्हें फोर्थ वीक में करना है, जो तुम्हारा बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। तो इसे कंप्लीट करने के लिए यार तुम्हारा 1 हफ्ता इनफ है, जो मैंने 5-स्टेप फॉर्मूला बताया था उसी से तुम इसे कंप्लीट करोगे। अब तुम्हारे थर्ड मंथ का लास्ट वीक बचता है, इस लास्ट वीक में तुम पूरे सारे चैप्टर्स का रिवीजन करोगे और टेस्ट पेपर्स लगाओगे, जो तुम्हारे कंप्लीट प्रैक्टिस पेपर होते हैं उन्हें लगाओ, जो तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में आराम से मिल जाएंगे। तो बस यार 3 महीने में तुम्हारा मैथ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो तुम्हारा टाइम बचता है उसमें तुम सारे चैप्टर्स का रिवीजन करोगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, जिन क्वेश्चंस में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है उन्हें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, और यूट्यूब पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते रहो। मैं भी अब आगे अपलोड करने वाला हूँ वैसे, तो तुम्हें इस चैनल पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वैसे मैंने लास्ट ईयर जो करे थे वो टेलीग्राम पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो तुम उन्हें भी जाके देख सकते हो। तो यार तुम अभी तक इस वीडियो पर टिके हो तो तुम सच में यार बहुत ही ज़्यादा कमाल हो, तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत ही अच्छी है, इसे अच्छे से स्टडी में यूज़ करो। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ, और मेरी एक रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दो, कोई भी तुम्हारा स्कूल का ट्यूशन का ग्रुप है उस ग्रुप में इस वीडियो को अभी शेयर कर दो। और क्लास 10th का टाइम टेबल जानना चाहते हो तो तुम्हें ये वीडियो स्क्रीन पर शो हो रही होगी, इस वीडियो को भी जाके देख सकते हो। और क्लास 10th की स्टार्टिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके लिए भी तुम इस वीडियो को देख सकते हो, स्क्रीन पर शो हो रही होगी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप स्टडी।